तो समझते हैं, हमने इस सीट को हमें ऑटोमेट करना है। हमने इससे पहले इसकी क्लास में हमने इसको ऑटोमेट किया था, एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है कि हमने सबसे पहले ऑटोमेटिक अटेंडेंस का फॉर्मेट बनाया ताकि वो मंथ के हिसाब से मेरा फॉर्मेट तैयार हो जाए। फिर हमने एक सीट में होलीडे लिस्ट और दूसरी सीट में लीव्स को डाला, और वी लुकअप से मैंने इसको उठाया हुआ। हमने सिंपल किया हुआ है कि इस वन और इस डेट के ऊपर हमने यहाँ पे कंबाइन किए हुए हैं, और हमने वी लुकअप लगाया हुआ है कि अगर इस डेट और इस वन के कम्युनिकेशन से कंबाइन करने के बाद अगर कोई एंट्री मिलती है, इसका मतलब है कि वो दिन छुट्टी पे था या हाफ डे था, कुछ ऐसा चीज था, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए। अगर नहीं है तो जो है प्रेजेंट कर दे। उसके अलावा इसमें हम ये भी दिए हैं कि अगर सैटरडे संडे है तो वीक ऑफ कर दे। अगर ये डेट सीट वन में एच होलीडे शीट में है तो लीव कर दे। तो ये चीज भी हमने की थी और इसको बताया था। इसकी वीडियोज आप लोगों को चाहिए होगा तो हम भेज दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने इसकी क्लास नहीं ली है, तो वीडियोज आपको हम भेज देंगे। तो ये हमारा बना हुआ है कि मैं यहाँ से जो भी मंथ डाल दूँ, मान लीजिए 1 जनवरी का है, अगर होलीडे लिस्ट में मैंने बोला 1 जनवरी छुट्टी थी, 3 जनवरी को छुट्टी है, तो यहाँ अगर हम नंबर इम्प्लॉय को नंबर 5 अपने आप नाम आएगा, क्योंकि इसमें वी लुकअप का फॉर्मूला लगा हुआ है, इस कारण से नाम आ जा रहा है। और मैंने बोला कि 3 जनवरी को, 3 जनवरी को मार्च को सर, 3 जनवरी को ये छुट्टी पे था। तो आप देखेंगे कि हमारे सीट में 3 जनवरी को यहाँ पे लीव लग गई। अब इसमें आगे क्या करना है हमें, इस अटेंडेंस शीट में आगे हमें ये करना है कि हमारा सॉरी यहाँ पे प्रेजेंट अब्सेंट सब काउंट कर दे, क्योंकि ताकि बना देता कि हम इसको पेरोल में आगे यूज कर सके, क्योंकि तो डायरेक्ट अटेंडेंस तो नहीं यूज कर पाएंगे ना, तो हमें पेरोल में आगे यूज करना होगा। तो 28 तक तो डेट होती ही है, 28 के बाद और 29 से यहाँ पे हम शुरू करते। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं इफ का। अब जो चल रहा है फॉर्मूला हम उसको चलने देते, उसको छेड़छाड़ नहीं करते, बस स्टार्टिंग में अपनी फॉर्मूला डाल रहे हैं। हमने यहाँ पे दिया कि इफ अगर ए ग्रेटर देन है ईओ मंथ से, ईओ मंथ मतलब कि एंड ऑफ द मंथ, कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूं, तो यहां पे पी लिखा हुआ आ जाए, हेडिंग पी आ जाए, ताकि हम पी को काउंट कर सके। प्रेजेंट एंटर प्रेस किया, यस किया, और इसको आगे की तरफ हम ड्रैग करेंगे, कहां, यहां तक एजे तक। यहाँ पे पी आना चाहिए। सर उसको फिक्स कर से अच्छा करने नहीं, से। हाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, फिक्स करने की प्रॉब्लम नहीं, छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है कि हमने A6 कर दिया, F6+1 करना था, तब जाके आएगा। A6+6 करके इसको आगे की तरफ हम ड्रैग करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए पी आ गया, राइट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अब मैं यहाँ मंथ चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे फरवरी का डेट डालता हूँ, तो आप देखेंगे कि फरवरी हमारा यहाँ आ चुका है, ठीक है, आ गया। देखिए एरर्स आ रहे हैं, तो इस एरर पे भी हम ध्यान देंगे, फिलहाल इस पे हम छोड़ देते हैं, हटा देते हैं। फिर 28 के बाद 29 पे एक और करते हैं यहाँ पे, कि इफ हम देखते हैं कि देते हैं, वापस एक और कंडीशन देते हैं कि इफ अगर इससे पहले वाली सेल पे पी लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, तो यहां पे आना चाहिए टोटल एल, मतलब तो कि लीव काउंट करना है, ठीक है। और इसको भी हम एंटर प्रेस कर देते हैं, सॉरी पी और एल दोनों इकट्ठा दे दिया मैंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं सिर्फ यहाँ पे एल दे देते, नहीं पी देना है लेकिन इक्वल करके देना है। हम यहाँ पे छोटी सी गलती कर दी है, पता नहीं क्यों सुबह सुबह गलती हो रही है मुझसे।
करके भी बेवकूफी कहते हैं। अब सही, अब इसको ड्रैग करेंगे हम सेकेंड तक, एक एक तक। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ गया, एल आ गया, राइट। अब मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला ऐड करूंगा। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल पे प्रेजेंट कितना हुआ है, टोटल पेबल लीव कितना है, और उसके बाद मुझे यहाँ पे करना है कि टोटल वीक ऑफ कितना है और टोटल होलीडे कितना है। चार चीजें मुझे चाहिए, उसके बाद हम सबको सम करके और अपना टोटल पेमेंट मतलब पेबल, टोटल पेबल डेज हम काउंट करेंगे, ताकि जिससे हमारा सैलरी कैलकुलेट होगा। तो यहाँ हम 29 पे आते हैं और यहाँ हम सिंपल सा देते हैं कि इफ पहली वाली सेल अगर इक्वल टू लीव है, तो यहाँ पे W स्लैश O आना चाहिए, अदरवाइज जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। इसी तरह से हम एक एक कंडीशन को ऐड करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करता हूं, तो अब यहाँ पे वीक ऑफ आ गया। अब वीक ऑफ आया हुआ है तो हमें फिर एच चाहिएगा, होलीडे चाहिए। तो सेम कंडीशन कि इफ इससे पहले 28 में अगर 28 के अंदर अगर W स्लैश O है, तो यहां पे क्या आना चाहिए, H आना चाहिए, और हमने इसको एंटर अच्छा ये मुझे इक्वल करना चाहिए था, फिर यहां पे गलती कर दी। अब यहां पे हमने इसको कर लिया, अब यहां पे एक और कंडीशन हम यहां लगाएंगे कि इफ अगर ए इक्वल टू एच है, तो यहां पे पीडी पेबल डेज आना चाहिए। बस हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया, और मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे एरर्स आने के चांसेस, मुझे पता है। तो हम सारे फॉर्मूले को वापस से इफ एरर के अंदर डाल देते हैं, ताकि अगर कोई एरर आता है, कोई एरर आता है तो यहां पे वो स्पेस कर दे, या कुछ और करना है कर दे, और फिर इसको सेम हम आगे की तरफ ड्रैग कर। अब यहां पे अगर मैं डे चेंज करता हूं, मतलब कि मैं फरवरी करता हूं, यहां पे देखिएगा 1/2 हमने फरवरी का डेट डाला, तो आप यहां देख पा रहे हैं कि ये पी लीव एच और ये जो आपका पीडी है ये शिफ्ट हो गया, जबकि फॉर्मूला कहां तक लगा हुआ, ए एन तक लगा हुआ। ये तीन दिन हमारा क्या दिख गया, ब्लैंक दिख गया, ठीक है, तीन दिन हमारा ब्लैंक दिख गया। अगर महीना 30 का हुआ, मान लीजिए मैं इसको अप्रैल का महीना ला रहा हूं, अगर महीना 30 का हुआ तो आप देखिए कि मेरा यहां अट्ठा महीना 30 का अप्रैल होगा ना, अप्रैल सर, नीचे डेट चेंज करना, अच्छा हाँ हमने ऊपर डेट चेंज कर दिया यार, ये तो गलत था ना, अच्छा क्या हुआ, सोचो गलती कर रहा हूँ, अप्रैल का कर दिया तो देखिए पी के बाद से। तो हमने क्या किया हुआ, हेडिंग लाया हुआ, अब मुझे हेडिंग के बिहाफ पे सारा कैलकुलेशन लेके आना है, ठीक है। तो मैं यहाँ 1 मार्च का रखते हैं सारा कैलकुलेशन, तो ये आ गया पेड लीव WHA आ गया, तो हमें यहाँ हमें जो भी प्रोग्रामिंग करनी 29 से करनी, क्योंकि 28 तक तो हमारा अटेंडेंस होगा ही होगा, 28 के बाद महीना 29 का हो सकता है, 30 का हो सकता है, 31 का हो सकता है, इसलिए हम जो भी फॉर्मूला लगाएंगे इसी से लगाएंगे। अब यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है, अगर P होगा तो P काउंट करना, L हो तो L काउंट करना है, H हो तो H काउंट करना, अगर PD हुआ तो सबको सम कर देना, सिंपल सा। अब हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला, अब इसमें बहुत सारे कंडीशंस लगाने पड़ जाएंगे क्या,
तो एक फॉर्मूला आता है इज डेट, क्या आता है इज डेट नहीं होता है, नहीं इज डेट नहीं। ओके कोई बात नहीं, इज नंबर तो होगा ना, इज नंबर में अगर डेट होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो हम सिंपल सा यहां कर दे रहे हैं कि इफ नॉट, क्योंकि मुझे इज नंबर ना होने पे काउंट इफ का फॉर्मा लगाना है, तो इक्वल फॉल्स करने की जगह पे डायरेक्टली कर दिया इज नॉट इज नंबर, और इज नंबर में इस डेट को सेलेक्ट कर लिया, ताकि ये ट्रू फॉल्स देगा, जब डेट होगा तो ट्रू देगा और डेट नहीं होगा तो फॉल्स देगा। तो नॉट जो है उसको कन्वर्ट कर देगा ट्रू को फॉल्स में, अनफॉल्स को ट्रू में। और यहां हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट इफ, और हमने सिलेक्ट कर लिया ये पूरा का पूरा अपना डेटा यहां तक। और किसको काउंट करना है तो हम हेडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहीं पे पी एल वगैरह लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है उसी को काउंट करना है। तो ऑटोमेशन में ये फायदे होते हैं, हम यहाँ पे टोटल पी कर देता तो मेरा कंडीशन बढ़ जाता। तो ये चीज भी आपको सोचना होगा कि क्या चीज डाले ताकि आगे हमें प्रॉब्लम ना हो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले मुझे इसको फ्रीज करना होगा, तो सबका मैं सिर्फ रो इसका काउंट इफ का, तो मुझे कॉलम नंबर एक कॉलम एंड रो दोनों, अच्छा इसका स्टार्टिंग कॉलम हम फ्रीज करना है, एंडिंग कॉलम तो बढ़ता करता रहेगा और रो भी हमारा बढ़ता करता रहेगा, लेकिन ए सिक्स का हमें सिक्स फ्रीज करना होगा। और यहां पे एंटर प्रेस कर देते हैं। अब इसको कुछ नहीं करना है, हमें ड्रैग, और सेम हमें इसको नीचे की तरफ भी ड्रैग करना। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं, अब यहां पे पीडी जो है ना, पीडी के लिए हमें एक स्पेशल फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि पीडी के लिए हमें बस अब जहां से लगा हुआ है पीडी वहां से चार कॉलन का सम चाहिए होगा, बस इतना, चार कॉलन का, एक दो तीन चार। तो मतलब अगर यहां लगा, जैसे यहां पे अगर फॉर्मूला 29 पे लग रहा है तो इससे अपने चार को सम करना है। तो हमें सिंपल एक कंडीशन जोड़ना होगा ऊपर कि इफ अगर डेट ए अगर लगा लिखा हुआ है पी डी, तो हमें सिंपल सा सम का फॉर्मूला देना है, और जहां फॉर्मूला उसे चार मात्र दे रहा हूं, एक दो तीन चार, अदरवाइज जो चल रहा है उसको चलने। और आगे ड्रैग करने से पहले हमें सिक्स का जो है ये फ्रीज करना होगा, लेकिन इसको फ्रीज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बढ़ता घटता रह रहा है, तो इसी के साथ चलना है, तो सम के अंदर की चीजों को फ्रीज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब मेरा जो कैलकुलेशन है वो परफेक्ट हो गया। अगर मैं जून का महीना डालता हूँ यहाँ पे तो 1/6, तो आप देखेंगे कि हमारा जून के अकॉर्डिंग हो गया। अब लेकिन यहाँ 0 0 0 आ गया, ये भी 0 0 आ गया, ये यहाँ पे आ रहा, तो इसको फॉर्मूले से हटा सकते हैं, या फिर सिंपल सा हम एक काम और कर सकते हैं कि ऑप्शन पे जाके एडवांस में जाके हम बोल देंगे कि जो जीरो को शो ना करें, डू नॉट शो जीरो, यहाँ आ रहा है ना ये C2, अब C2 पे कहीं भी जीरो होगा ना तो शो नहीं करेगा। ठीक है, या हम फॉर्मूला से हटा सकते हैं कि ऊपर अगर ब्लैंक ना हुआ, अब एक कर लीजिए, या फिर जो है अब एक कर लीजिए, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि फॉर्मूले के अंदर ही दे देते हैं यहाँ 29 तारीख को। प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज प्लीज।
अब यहीं पे हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ जो हमने एंड दिया हुआ है ना, तो यहीं पे हम कर देते हैं एंड का फॉर्मूला लगा देते हैं कि ऊपर पीडी होना चाहिए और इसको कॉमा देते हैं, और हमने बोला इसको ये जो है नॉट इक्वल टू स्पेस होना चाहिए। सिक्स का फिट कर देते हैं तो ए भी चलेगा, तो जीरो फिर आप शो प्रवास करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर इसको नीचे तक एक और इधर भी सर सर 31st के लिए आगे तक खींचना पड़ेगा ना। हाँ सही है, तो वो तो डिपेंड करता है। अब सोच रहे होंगे कि सर इतना लंबा फॉर्मूला, तो आप देख रहे हैं ना कि हमने स्टार्ट किया था वी लुकअप से जब फाइल बन रही थी, और फिर हम इसके अंदर आगे फॉर्मूला जोड़ते चले गए। अब बताइए एक साथ में इतना लंबा फॉर्मूला लगा था तो मुझे लगता है कि आप समझ पाते। तो हमेशा आप स्टार्ट कीजिए और फिर स्टार्टिंग में उसको ऐड करते चले जाइए, सिंपल सा लॉजिक है इस तरह के फॉर्मूले क्रिएशन के। तो हमारा अटेंडेंस सीट रेडी हो गया। अब अगर हम अटेंड बोलिए, हाँ इसमें लीव है वो माइनस होके पीडी आएगा ना? नहीं ये पेबल लीव है, अगर आपको अगर जिस दिन नहीं है उस दिन LWP करना होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए जून का मना रहे हैं, जून के 7 तारीख में मान लीजिए इंदर 4 नंबर छुट्टी पे था, तो मुझे यहाँ जो एंट्री करना पड़ेगा 4 जून और यहाँ पे LWP करना, लीव विदाउट पे। क्योंकि अगर आपने L कर दिया तो लीव तो पेबल होता है ना। हाँ इसमें आगे कंडीशन लगाई सकती है, लुकअप बगल लगाया जा सकता है कि तब यहाँ पीडी यूज नहीं करना पड़ेगा हमें, पी को और डब्ल्यू को सम करना पड़ेगा और लीव के लिए स्पेशल कंडीशन हम अपने पेरोल में डालेंगे कि इसके टोटल लीव बचे कितने हैं, जितने बचे हैं वो उतना पेड हो जाएगा, जितना नहीं बचा उतना अनपेड हो जाएगा, ये चीजें कर सकते। बट यहाँ तो जस्ट हमने काउंट किया हुआ है, ठीक है ना? तो अगर आपको पीडी से लीव उतना माइनस करना है तो वो हम पेरोल सॉफ्टवेयर में पेरोलिंग जो सैलरी शिफ्ट होगी वहां पे कर, ठीक है? ओके ओके सर। 6 तारीख ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी सैलरी की, ठीक है ना? तो यहाँ पे ईएमपी डेटा हम डालते हैं, तो एम्प्लॉय डेटा जो होता है उसी में क्या होता है कि सैलरी की डिटेल्स होती है मान लीजिए। तो ये जो हमने अटेंडेंस डेटा यहाँ से लिया हुआ है ना, तो याद रखिएगा हमारा मेन जो हुआ वो अटेंडेंस ही हुआ, ठीक है ना? तो अटेंडेंस को ही आगे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो यहाँ ऊपर से करते हैं। तो ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गए। अब इसका हम बेसिक सैलरी लेते हैं, HRA लेते हैं, कन्वेंस लेते हैं और अदर लेते हैं, या जो भी आपकी ग्रेडिएंट से वो डाल सकते हैं। हर कंपनी में अलग अलग चीजें होती है। तो मान लीजिए कि बेसिक हम कर देते हैं। अब सैलरी कैलकुलेशंस तो पेरोल वाले अच्छे से समझते होंगे, मैं तो जस्ट यहाँ ऑटोमेशन सिखा रहा हूँ, ठीक है ना? तो मैं 3000 यहाँ पे 3000 कॉमा मैंने मान लीजिए 9000 का बेसिक ले लिया कि इसके बीच में बेसिक हो। अब जितना बेसिक होगा उसका 50% मान लीजिए हम HR ले, और कन्वेंस भी हम HRA का 50% ले, और अदर कंपनी चला क्या करती है कि अदर वो बाकी सैलरी अदर में देती है ताकि उसको ESIPF वगैरह पे कैलकुलेशन ना करना पड़े, मतलब उतना एग्जाम्प्ट हो जाए, समझ गए सर? तो ये जो डेटा बना एट ए ज्वाइनिंग टाइम बनेगा, समझ गए कि आपका इतना पेड है,
इतना अटेंडेंट आपको होगा, तो एट ए ज्वाइनिंग टाइम ये हमारा बनेगा, समझ गया। और उसके बाद तो यहां पे ग्रॉस सैलरी निकलेगा, ग्रॉस सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी इन सबों का सम होगा, तो इसको हम जनरली सम कर देंगे। अब डिडक्शन की बात आती है, तो डिडक्शन वगैरह यहां पे, क्योंकि डिडक्शन सिंपल है, तो डिडक्शन वगैरह यहां पे ग्रॉस सैलरी आ गई, हाँ ग्रॉस सैलरी आ गई। अब इसकी डिडक्शन होंगे कि सबसे पहले तो ईएसआई, डिडक्शंस वगैरह जो होगा ग्रॉस सैलरी, डिडक्शन वगैरह अलग होगा, मतलब कि ये तो बन गया ना, डिडक्शन वगैरह फिक्स है हमारा, तो डिडक्शन यहाँ डालना सही है। अब यहाँ हम वी लुक अप निकाल के पीडी पेबल यहाँ पे निकालते हैं, पेबल यहाँ पे, सॉरी सबसे पहले तो यहाँ पे हम निकालते हैं सैलरी पर डे, ये जरूरी होता है सैलरी पर डे, कि हर महीने का पर डे सैलरी अलग अलग होता है, तो हमें अटेंडेंस पे जो डेटा सिलेक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, सिंपल सा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, इसको दिस इज डिवाइड बाई ई ओ, यहाँ पे सॉरी डे, डिवाइड बाई डे, जो हमने डे का फॉर्मूला ले रखा है, डे डे, और डे में हम देते हैं सिंपल ई ओ मंथ, और अटेंडेंस में जाके कोई एक डेटा को, किसी को चाहे एक तारीख जो है उस तारीख को सिलेक्ट करके जीरो कर देते हैं, तो क्या होगा कि जो महीने का लास्ट टोटल नंबर ऑफ दिन होगा उतने दिन से वो डिवाइड हो जाएगा और हमारा मिल जाएगा हमको सैलरी पर डे। तो कैलकुलेशन सैलरी पर डे से होता है, जैसे मान लीजिए किसी के बेसिक 3624 है, इसका मतलब थोड़ी है कि उसको 3624 ही मिलेगा, तो डे के हिसाब से फिक्स हो जाता है, और डे के हिसाब से बेसिक भी उसी हिसाब से बनता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा पेड सैलरी पर डे आ गया। अब यहाँ पे हम निकालते हैं पीडी टोटल पेबल डेज, जो कि हमें वी लुकअप से मिल जाएगा अटेंडेंस। अब दिक्कत यहां पर ये आ रही है कि पेबल डेज तो कॉलम का नंबर क्या रहा, क्योंकि वो बढ़ते घटते रहेगा, क्या कभी पीडी आपका यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, वो तो दिन के हिसाब से चेंज हो रहा है ना सर। तो यहाँ पे मेरे पास मैच काम आएगा ना, कि मैच पीडी को, मतलब कि पेबल डेज को ढूंढना है कहाँ, किस कॉलम के, और कॉमा जीरो, और यहाँ पे कॉमा जीरो कर दिए, तो हर आदमी का पेबल डेज नहीं है, A6 नहीं, मुझे यहाँ पे A6 से यहाँ पे देना होगा 1600, क्योंकि हमने एक कॉलन में ही मैच कर दिया ना, इस कारण से तो आगे इसको ड्रैग करना है, तो हमें A को फ्रीज करना होगा, A पूरा को फ्रीज करना होगा यहाँ से यहाँ तक, और अटेंडेंस में भी सेम इसको भी ऐसा करना पड़ेगा, तो आ जाएगा हमारा पेबल। अब इसके बिहाफ से निकलेगा पेबल बेसिक, ठीक है ना, पी बेसिक, फिर पी एच आर ए, पेबल एच आर ए, पी कन्वेंस, इसके बाद पी अदर, और यहां पे ग्रॉस, राइट। अब यहां पे
सर हमने ये पूरा लिया है ना, इसका मतलब पर डे निकला है, तो ये वापस कैसे ये आ जाएगा उसमें के अंदर? देखिए उसको 3624 का मान लीजिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर किसी ने 30 दिन किया है, 30 दिन किया है ना, तो उसकी उसका एचआर उसका बेसिक 2624 थोड़ी होगा 3624, क्योंकि 3624 से 31 दिन पे होगा ना, बात समझ रहे हैं? अब किसी ने मान लीजिए 29 दिन ड्यूटी किया हुआ, तो इसका उसका भी ये बेसिक पूरा बात करेंगे 2641 रुपये बेसिक देंगे। हाँ, बराबर है, लेकिन ये पीडी किया है ना हमने, एसपीडी, तो 13-2 ये किया तो उसका सैलरी एसपीडी आ पेबल जाएगा। डेज, ए पेबल डेज कैलकुलेट हुआ है, कैलकुलेटेड है, डिफाइन है कि इस महीने 501 रुपया पर डे देना है हमको। ए पीडी हुआ कि अच्छा। पेबल डेज कितने टोटल दिन देना है हमें पैसा, एक दिन का हुआ, अगर वो 31 आता है तो, समझ गया अच्छा, ना? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें कुछ नहीं करना है कि बेसिक को डिवाइड करना है 30 से, तो ये निकल जाएगा कि 120 रुपये पर डे हमारा बेसिक बना। अब 120 रुपये को मल्टीप्लाई करना है 30 से, तो ये निकल के आ गया आपको 3624 रुपया बेसिक। अब इसका बेसिक देखिए कम गया ना, 5644 हो गया। मिनट 31 नहीं करना हमें, 30 नहीं करना, और सॉरी हमें डिवाइड अलग करना है। हाँ ये है ना, हमारा डिवाइड अलग करना है। हमें क्या करना है, इसको डिवाइड, ये जो ईओ मंथ का फॉर्मूला हमने यहाँ लगा रखा है ना, इसी से डिवाइड करना है सर। यहाँ पे डिवाइड बाय हमने ये निकल गया बेसिक पर डे, कि पर डे बेसिक सैलरी कितना मिल रहा है, और फिर इसको मल्टीप्लाई बाय हम 30 करेंगे तो रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं 3624। और जिस दिन कम हुआ इसे ये देखो, इसको 5452, 5452 मिल रहा है, ना कि 5641 मिल रहा है, क्योंकि इसने एक दिन कम आया, तो उसका बेसिक भी एक दिन कम जाएगा। समझ गया सर? सेम फॉर्मूला हमारा लगेगा किसमें, एचआरए में, बस एचआरए में मैं इसको एचआरए के ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ पे नीचे की तरफ ला, और सेम लगेगा हमारा कन्वेंस में, और इसको कन्वेंस की तरफ शिफ्ट कर दो, और ये फिर इक्वल किससे हो जाता है हमारा, यहाँ पे आएगा ठीक है, और जी पे ग्रॉस पे फिर इन सबों का सम होगा यहां से। तो एक्चुअली में उसके अटेंडेंस के हिसाब से ए सैलरी बननी चाहिए, ठीक है सर? अच्छा। अब किसी दिन इसका अटेंडेंस कमेगा, जैसे मान लीजिए मैं रवि की अटेंडेंस को 30 के जगह पे 28 कर देता हूँ, समझ गए? तो मान लीजिए मैं बोल देता हूँ 13, 14, 15, 16 3 दिनों छुट्टी पे था, एल डब्ल्यू था, लीव विदाउट पे था, तो हमने यहाँ पे 5वां नंबर रवि आ गया और हमने बोल दिया 14/6 और ले एल डब्ल्यू पी लगा देते, चाहे अब्सेंट लगा देते हैं, कुछ भी लगाना हम लगा सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अटेंडेंस एल डब्ल्यू पी हो गया, और इसकी अटेंडेंस का टोटल पेज डेट जो है पी डी, सत्ताईस हो गया ना, ठीक है सर? और यहाँ पे इसकी सैलरी भी टोटल होना चाहिए था, इसकी सैलरी 7100, यहाँ पे 7120 जो हो गई 6438। समझ गया सर? अब ये जब हो गया हुआ है हमें, तो हमें क्या करना है, अब डिडक्शन से निकालना है ना, क्या सर? हाँ सर, हमें इसका डिडक्शन निकालना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएफ का, पीएफ पीएफ फॉर
एम्प्लॉय, ठीक है। तो बेसिक सैलरी जो उसको पे कर रहा मिल रहा है उसका 12%, ठीक है सर। फिर यहां पीएफ फॉर एम्प्लॉयर ईएमपीआर, तो एम्प्लॉयर भी उतना ही देगा जितना एम्प्लॉय का डिडक्शन है, सिंपल सर। अब फिर ईएसआई, अब ईएसआई में बोला गया है कि 25,000 से ऊपर अगर उसकी सैलरी है, ग्रॉस सैलरी है, तो उस पर ईएसआई नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो 25,000 जो है उसकी फिक्स सैलरी जो है, मतलब ऐसा नहीं कि 25,000 उठाया कि नहीं उठाया, वो बात नहीं, तो ईएसआई के अंदर तभी आएगा जब वो 25,000 से ऊपर कर रहा है सैलरी। यहां इफ कंडीशन और यहां पे हमने ग्रॉस सैलरी इज ग्रेटर देन 25,000, देन यहां पे जीरो हो जाएगा। अब याद रखिएगा कि जब भी आप सैलरी कैलकुलेशन कर रहा हो, इंसेंटिव कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन नंबरिंग कर रहे हो, उसमें कभी भी ब्लैंक नहीं देना है या स्पेस नहीं देना है, वहां जीरो रखिएगा, वरना सम वगैरह करने में दिक्कत होगी। अदरवाइज हमने सिंपल बोला कि इसकी टोटल अर्निंग है जी पे, इसके ऊपर आपका जो कटेगा 1.76%, ठीक है। ईएसआई इसका इतना कटा। अब यहां पे आता है ईएसआई इक्वल टू एम्प्लॉयर, क्योंकि एम्प्लॉयर भी ईएसआई के हिस्सा दे रहा है। सर ईएसआई हमने बात किया कि 25 के आगे रहेगा तो कटेगा नहीं, ऐसा है क्या? जी जी जी, तो जीरो कर दिया हमने टू पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमने कैलकुलेशन दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब आपको एम्प्लॉयर का निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल 6% माइनस 1.76% कितना आता है, 60%, 6%, तो 4.24% इंप्लॉयर देता है। अब नियम चेंज भी हो सकते हैं कि 10 साल पहले था, बाकी परसेंटेज वगैरह तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, ये आ गई आपकी ईएसआई, राइट सर। उसके बाद अगर कोई एडमिन चार्ज है या लेबर रिफरल फंड का चार्ज है, वो फिक्स होता है एक परसेंटेज में, मान लीजिए 1% या 2% आपका कटेगा टोटल ग्रॉस सैलरी में से। एक हर सब कंपनी नहीं देती है, कुछ चार्जेस होते हैं। अब बहुत सारे कंपनी जो है मल्टीप्लाई 2% सही परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया ना, तो ये आपका एडमिन कटेगा। अब बहुत सारे कंपनी लोन का प्रावधान करती है कि लोन कटेगा, तो लोन का भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोन के लिए कुछ ऐसा नहीं कर रहे, होती है सारी कंपनियों में। अब यहां पे हम देते हैं नेट पे, क्या देते हैं नेट पे, कि नेट पेड सैलरी कितनी होगी। तो नेट पेड सैलरी होगी हमें ग्रॉस सैलरी में से माइनस सम, हमें पीएफ एम्प्लॉई को लेना है, ईएसआई एम्प्लॉई को लेना है, और एडमिन को लेना है, और लोन को लेना है, समझ गए? क्योंकि एम्प्लॉयर का इसके ग्रॉस सैलरी से नहीं कटेगा। अब यहां पे हम निकालते हैं सीटीसी, कंपनी टू कॉस्ट, कि कंपनी की टोटल कॉस्ट क्या पड़े। तो नेट पे सैलरी प्लस हमने डाल दिया एम्प्लॉय पीएफ और एम्प्लॉय ईएसआई, ते कंपनी ए सीटीसी हो गई इस महीने, कंपनी टू कॉस्ट, समझ गए? नहीं, नेट पे नहीं होगा, माफ कीजिएगा, कंपनी कॉस्ट जो हुआ जी पे तो होगा ना, जी पे प्लस ईएसआई एम्प्लॉयर प्लस ईएसआई पीएफ एम्प्लॉयर, ये होगा।
अगर आपको 24,000 14,000 इनहैंड मिला, इसका मतलब है कि 16,000 आपकी सीटीस हुई। मैंने कंपनी सीटीस का मतलब हो गया कंपनी द कॉस्ट, कि कंपनी की जो खर्चा है आपके ऊपर इतना हुआ है। अब इसमें और भी डिडक्शन और भी चीजें हो सकती है। तो ये जो हुआ दिस इज कनेक्टेड टू माई अटेंडेंस। तो अगर मान लीजिए मुझे अगर मई की सैलरी देखनी है तो मैं जस्ट यहाँ पे मई का डेट यहाँ डालना होगा। जैसे ही मई का डेट डालेंगे पूरी कैलकुलेशन उसी हिसाब से हो जाएगी एंड ऑल्सो हमारा सैलरी भी उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। राइट सर। अब सैलरी कैलकुलेट हुआ है तो हमारा सैलरी स्लिप भी तो कैलकुलेट होना चाहिए क्या सर? अब सैलरी स्लिप हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। अच्छा चलिए देखते हैं क्या टेम्पलेट के अंदर सैलरी स्लिप का कोई फॉर्मेट पड़ा है। अगर पड़ा होगा तो हमारा टाइम बच जाएगा, नहीं तो फिर हमें बनाना होगा। या आप लोग बनाएंगे इसको? सैलरी स्लिप नहीं है, सैलरी स्लिप का कोई फॉर्मेट नहीं। तो अलग अलग कंपनीज की अलग अलग फॉर्मेट होती है तो आप बना सकते हैं। समझ गए? तो कोई डाउट इसमें आप लोगों को?